गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक कोरल रीफ्स है, जो कि एनिमल्स के शेल से कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें बनती हैं उस टॉपिक पर है। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। कोरल्स समुद्र के तल पर और समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें होती हैं, जो कि कोरल्स द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से बनी होती हैं। इन एनिमल्स की कॉलोनीज पॉलीप्लॉइड होती हैं और ये मोस्टली सिलेंट्रेट्स होते हैं। कोरल्स मोस्टली मैराइन्स होते हैं। इन एनिमल्स का कैल्केरियन व हॉर्नी स्केलेटन होता है। इन कॉलोनीज का साइज पॉलिप्स में बडिंग्स के कारण बढ़ता जाता है, जो कि कोरल्स रीफ या कोरल आइलैंड बनाते हैं। कोरल रीफ कोरल रॉक्स का किनारा होती हैं, जो कि समुद्र के तल से बनती हैं। ये 28 डिग्री इक्वेटर्स तक बढ़कर बनती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती हैं। इसके साथ साथ मोलस्क, इकानोडर्मेट, एनालिट, फोरनिमिफेरा आपस में चिपक कर कोरल रीफ्स बनाने में हेल्प करते हैं। अधिकतर रीफ्स 10 से 200 mm पर ईयर्स की साइज की रेट से बढ़ते हैं। अभी तक जितने भी कोरल रीफ्स प्रेजेंट है, उनकी लाइफ करीब 15,000 से 30,000 साल पुरानी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ, साधारणतः कोरल रीफ उष्ण में उथले कैरेबियन सी, इंडो पैसिफिक सी, विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित उष्ण व उपोष्ण देशीय द्वीपों के पास में बहुतायत से पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट तक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। फिजी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन श्रेष्ठ कोरल आइलैंड के रूप में जाने जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ कोरल रीफ्स, स्टोनी कोरल्स एक मुख्य कंपोनेंट होता है कोरल रीफ के। इसके अलावा मेलिपोरा, ट्यूबिपोरा, हेलियोपोरा, एल्साइनेरिया, गॉर्गेनेरियंस, फरनिमिफेरा, कोरेलाइन एल्गी और ब्रांचिंग एल्गी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा स्पॉन्जेस, सी एनिमॉन्स, सी आर्चिन्स, स्टारफिश, क्रैब्स, स्नेल्स और बाइवॉल्व्स भी इन कोरल रीफ्स को अपने हैबिटेट के रूप में अपनाती हैं। कोरल पॉलिप्स एंड कोरेलाइट्स, कोरल एक कॉलोनी होती है पॉलिप्स की। इनमें जो कोरल पॉलिप्स होता है, उनका स्केलेटन करीब 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये चारों तरफ से टेंटिकल से घिरा होता है और इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिशन होता है। पॉलिप्स आपस में गैस्ट्रोडर्मल ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, जो बडिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। हर पॉलिप कप जैसी शेप का होता है और इन कप के ऊपर कैल्केरियस स्केलेटन सिक्रीट होता रहता है। ये सारे पॉलिप्स आपस में फ्यूज होकर कोरेलियम बनाते हैं। कंडीशन सुटेबल फॉर कोरल ग्रोथ, कोरल्स ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल समुद्र के अंदर 50 मीटर की डेप्थ में और 20 से 50 डिग्री टेम्परेचर में ऑप्टिमली ग्रो करते हैं। यहाँ पर जो प्रकाश है उसकी एडेक्वेट या पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। प्रकाश की कमी में ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। और प्लैंकटॉन्स जो हैं उसका नंबर भी पानी के अंदर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्लैंकटॉन्स को ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। रीफ्स में जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसके कारण, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ है वो उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण और एनवायरमेंटल फोर्सेस के कारण रीफ्स डिस्ट्रक्ट होती जा रही हैं। जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वैसे वैसे वापस पॉलिप्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं
और ये वापस ग्रोथ करने से कोरल्स का फॉर्मेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। काइंड्स ऑफ कोरल रीफ, फर्स्ट टाइप है फ्रिंजिंग टाइप, ये समुद्र तट पर पाई जाती है और मंच के रूप में ज्वार के समय दिखाई देती है। किनारे से चौथाई मील तक ये फैल सकती है। समुद्र की तरफ मुंह को अग्रभाग कहते हैं। शैलो यानी कि छिछला पानी 50 से 100 मीटर तक फैला होता है। लो टाइड में रीफ को का जो भाग दिखाई देता है उसे रीफ फ्लैट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक जो वेलकैनो से आइलैंड बना है उसके चारों तरफ रीफ्स एक फ्रिंज के फॉर्म में, एक फ्रिल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दूसरी टाइप की रीफ है बैरियर रीफ, ये भी फ्रिंजिंग रीफ की तरह ही होती है लेकिन ये किनारे से ज़्यादा दूरी पर स्थित होती है, आधे से करीब 10 माइल्स तक ये इसके अंदर जो गैप होता है वो चौड़ा होता है, जिसे हम लेगून्स कहते हैं। ये 10 से 50 फैदम तक गहरा होता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये करीब 2000 किलोमीटर लंबी व करीब किनारे से 150 किलोमीटर तक फैली हुई है। थर्ड टाइप है अटल टाइप, ये लगूंस आइलैंड से बनता है। लगून जो आइलैंड और उसके बीच में जो पानी आता है वो लगून होता है। ये भी एक रिंग जैसा रीफ होती है और इस रीफ की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस होती है। बीच बीच में गैप होते हैं और जो खुले हुए भाग होते हैं उसके अंदर से लगून में जाया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि बाइकैनी जो अटल है वो बहुत फेमस है क्योंकि इस बाइकैनी अटल पर एटॉमिक व हाइड्रोजन बॉम्ब के टेस्टिंग होती है और ये जो अटॉल रीफ है वो पैसिफिक ओशन में स्थित है। फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स, किस तरह से कोरल रीफ्स बनती हैं, डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डार्विन की सब्सिडेंस थ्योरी की। डार्विन का मानना था कि सभी कोरल रीफ जो आइलैंड है उसके ज़मीन के धंसने के कारण बनते हैं, यानी कि उनका कहना था जिस आइलैंड के पास में कोरल रीफ बन रही हैं वो आइलैंड धीरे धीरे समुद्र के अंदर धंसता जाता है और इस कारण सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनती है क्योंकि उनके आइलैंड और कोरल रीफ के बीच में बहुत कम गैप होता है। लेकिन जैसे जैसे आइलैंड अंदर की तरफ धंसता जाता है वैसे उस कोरल रीफ और आइलैंड के बीच में गैप बढ़ता जाता है तो बैरियर रीफ का फॉर्मेशन होता है और ज़्यादा ज़मीन के धंसने से लास्ट में एटॉल टाइप का कोरल रीफ बनती है और ऊपर की तरफ लेगून्स का फॉर्मेशन होता है। तो उनका मानना था कि जो वल्केनो के कारण जो आइलैंड बने हैं उसके चारों तरफ जब रीफ बन रही हैं उस रीफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो आइलैंड धंसता जाता है और तीनों तरह के कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड थ्योरी है सर जॉन्स मुरेज की थ्योरी और उन्होंने कहा था, उनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ सी बॉटम राइज। सी बॉटम राइज में उन्होंने कहा कि समुद्र का जो तल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और उनका मानना ये था कि जो कोरल्स हैं वो टॉप पर बनना शुरू होते हैं। सबसे पहले जैसे बैरियर रीफ अटॉल जो है वो उनके अंदर कोरल्स की ग्रोथ होती जाती है और धीरे 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 कर उनकी जब ग्रोथ बनती है तो कोरल्स एज पर जो है उसका कोरल्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और उनका मानना है था कि जो कोरल के पॉलिप्स हैं वो करीब 30 फैदम तक ग्रो कर सकते हैं और इनका जो सबमराइन प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, स्टेबल होता है।
तो इन सबमरीन प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पर वल्केनिक पीक्स और आइलैंड प्रेजेंट होते हैं और ये सी लेवल के नीचे होते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये जो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये जो इनकी जो डेप्थ है वो कोरल्स के सर्वाइवल के लिए सूटेबल होती है और उनके पेरिफेरी पर कोरल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थ्योरी है ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी जो कि पैनिक डेलीज ने दी थी 1917 में। उन्होंने कहा था कि जो ग्लेशियल्स है जो जमी हुई बर्फ है ये जो जमी हुई बर्फ है वो धीरे धीरे इसमें क्या होता है पिघलती हैं और जैसे जैसे ये पिघलती हैं तो उससे क्या होता है सी का लेवल बढ़ता है और जब ग्लेशियल्स बनते हैं तो समुद्र का जो पानी है उसका लेवल धीरे धीरे क्या होता है कम होता जाता है। तो जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो उसमें क्या होता है आइस जो है वो जमती जाती है और जो सी का लेवल है वो कम होता जाता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आइस मेल्ट होती है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण समुद्र के पानी का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो उन्होंने कहा था कि कोरल्स जो हैं वो क्या है फ्लैट प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना शुरू करते हैं ओशन के बॉटम पे। अब जैसे जैसे सी का लेवल 30 से 38 फैदम तक होता है और लेकिन ग्लेशिएशन के कारण यानी कि जो समुद्र का पानी है वो आइस में कन्वर्ट होता जाता है उसके कारण जो आइस एज पीरियड था उसमें समुद्र का पानी का लेवल कम हो गया क्योंकि पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जिस्टिंग जो कोरल्स हैं वो उन कम टेम्परेचर कम होने की वजह से वो डेड होने लगते हैं मरने लगते हैं क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब सी का लेवल जब बढ़ता है ना जबकि टेम्परेचर हाई होने के कारण आइस एज जब ख़त्म हो जाता है तो आइस जब मेल्ट होती है तो ये जो पानी बढ़ा हुआ है वो बाकी जो कोरल्स है उसको बढ़ने में हेल्प करता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स जो है इम्पॉर्टेंट कमर्शियली तो इसका यूज़ हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो ये रीफ्स हैं एक जो साइट है टूरिस्ट के लिए भी अवेलेबल हो रही हैं और इसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका है पेट्रोलियम का डिपॉजिट्स कोरल रीफ के अंदर मिल रहा है। एक हमने देखा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्टिंग है वो भी रीफ्स पर हो रही हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्जेस मोलस इकानोडर्म्स ये जो फिश हैं उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट की तरह काम करता है और ये जो कोरेलियम है वो जो मूंगा है उसकी तरह प्रेशियस स्टोन की तरह काम करता है और इंडिया में ट्रेडिशनली ये यूज़ आता है और इनके बने हुए जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो भी यूज़ आते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन में भी यूज़ में आते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ, जैसे कि हमने अभी भी न्यूज़ में सुनते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, वो डेड होने की कगार पर है। तो कोरल रीफ का जो डिस्ट्रक्शन है वो पोल्यूशन के कारण इंक्रीज़ हो रहा है। पोल्यूशन के कारण जो CO2 को लेवल इंक्रीज़ हुआ है उसके कारण सिम्बायोटिक जो एल्गी है जो कि पॉलिप्स के अंदर रहती है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है और ये उसके अच्छे फूड की तरह काम करती है। वाटर पोल्यूशन के कारण ऑयल गैस और पेस्टिसाइड्स जो है वो कोरल्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सॉइल इरोजन और सेडिमेंटेशन के कारण भी कोरल रीफ्स चौक हो रही है। ओवर फिशिंग और फिश को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम बॉम्ब के ब्लास्ट करते हैं उससे भी कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है
वो ख़त्म हो रहा है। कोरल माइनिंग्स जो हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी से, उसे भी कोरल रीफ्स डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो अगर हमें इन कोरल रीफ्स को बचाना है तो ये इन सब एक्टिविटीज़ को हमें रोकना होगा। थैंक यू।